Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated coconut super powder. अफीम काश्तकार परेशान, जिला कलेक्टर को मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े किसानों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को केंद्र के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अफीम खेती की नीति 2021-22 को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ ही अफीम नीति को अफीम किसानों के हित में बनाने के लिए कहा। अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगी लाल मेघवाल मिलोट ने जानकारी देते हुए बताया, वर्ष 1997-98 से आज तक काटे गए सभी अफीम के पट्टे, चाहे वो घटिया, गाढ़ता, वाटर मिक्स, सस्पेक्टेड अथवा किसी भी कारण से काटे गए हों, उन्हें वापस बहाल करने की मांग की गई है। अफीम की सरकारी खरीद पर वही अफीम की दर प्रति किलो 25,000 रुपए दिए जाने की भी मांग केंद्र के सामने रखी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आज तक जिन भी अफीम किसानों से लूटा गया पैसा, किसानों को वापस लौटाने को कहा। किसानों को 10-10 आरी के सभी समान पट्टे बहाल किए जाएं और नई अफीम नीति बनाते समय प्रधानमंत्री अफीम किसानों के प्रतिनिधि से मिले, जिसका समय उन्हें बताया जाए, आदि मांगे रखी गई है। उन्होंने कहा है, अगर 15 सितंबर तक अफीम नीति नहीं बनाई गई और वर्ष 1997 से आज तक के सभी काटे गए पट्टे पुनः बहाल नहीं किए गए तो सभी अफीम किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। अफीम को भ्रष्ट अधिकारी घटिया करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को आज निवेदन किया है कि भाई हमारे 1996 से रोके गए सारे अफीम पट्टे दो, घटिया बढ़िया वाटर मिक्स सस्पेक्टेड किसी में अलग अलग मत बांटो। अफीम को कोई घटिया नहीं करता है, अधिकारी घटिया है, जिसका मैंने आपको कागज में नाम लिख के दे दिया, ठीक बात है। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। और हमको सारे पट्टे दो, 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम अफीम का मूल्य दो, और मार्फिन नियम जो हम नहीं जानते, नेता नहीं जानते, कर्मचारी नहीं जानते, किसान नहीं जानते, उस नियम को सिर्फ पैसा खाने की नीयत से थोप दिया है, उस मार्फिन के नियम को समाप्त करो।